ग्राम पंचायत सरायपाली के आशीष ग्राम गौरमुड़ी में एनआर इस्पात कंपनी 2007-08 से स्थित है और यहाँ सैकड़ों मजदूर काम कर रहे हैं और इन मजदूरों के साथ कई तरह के अन्याय देखने को मिलता है। ग्राम पंचायत सरायपाली के ही संदीप प्रधान जो एनआर इस्पात में पिछले 3 वर्ष से काम करते हैं और इनके ईएसआई न कटने से बहुत सारी दिक्कतें हो रही है। इन्हीं के जैसे एनआर इस्पात में सैकड़ों और कर्मचारी भी कार्यरत हैं जिनको इस समस्या का सामना करना पड़ रहा है। क्या दिक्कतें हैं आपको एनआर इस्पात में बताइए। हम लोगों को ईएसआई और पीएफ कुछ नहीं कट रहा है, कटता तो हम लोग का जो स्वास्थ्य संबंधित जो हम लोग नुकसान हो रहा है वो नहीं होता। हाल हाल में मेरा एक्सीडेंट हुआ था जो कि मेरा 20 से 25 हज़ार खर्चा हो गया। अगर मेरा ऐसा ही कटता तो 20-25 हज़ार मेरा बच जाता। आपके जैसे कितने होंगे प्लांट में? मेरे जैसे 300-400 हैं जिनका ईएसआईपीएफ नहीं कट रहा है। कब से कंपनी में आप काम कर रहे हैं? मेरे को हो गया तीन साल हो गया। तो आपके जैसे और भी लोग हैं, वो लोग कितने कितने दिन से कर रहे हैं? और 5 साल, 6 साल, 7 साल, 10 साल हो गया। तो इस क्षेत्र में और भी कंपनियां हैं जिसमें इस प्रकार की दिक्कत है? हाँ, बहुत सारी कंपनियां हैं। आप कैसे कह सकते हैं कि वहाँ भी इस प्रकार की दिक्कत है? जितने हम लोग के साथी हैं काम करने जाते हैं वो लोग बताते हैं, बाहर में मिलते हैं आते हैं वो लोग बताते हैं कि हम लोग का भी ईएसआईपीएफ नहीं कट रहा है। वो क्या चाहते हैं आप? हम लोग का ईएसआई और पीएफ कटे, यही चाहते हैं हम लोग। आपके साथ और कितने हैं जो आपका साथ दे रहे हैं, आपकी तरह ईएसआई और पीएफ की मांग कर रहे हैं? 70-80 जने। तो इसके लिए आप लोगों ने कभी कार्रवाई या किसी अधिकारी से मिले हैं और ऐसा कुछ? हाँ, श्रम आयुक्त लेबर कोर्ट गए थे हम लोग, 10 लड़के गए थे। संदीप के साथ ही पूरे एनआर इस्पात के सभी कर्मचारियों का ईएसआई और पीएफ कटे जिससे इनको स्वास्थ्य संबंधी लाभ मिले और भविष्य में पैसे संबंधी समस्याओं का भी सामना न करना पड़े। वीडियो देखने वाले समस्त दर्शकों से मैं ये अनुरोध करना चाहूँगा कि जिला रायगढ़ के कलेक्टर श्रीमती सम्मी आबदी को 9425-53-2380 पर फ़ोन करें और इस समस्या से अवगत कराएं। मैं राजेश गुप्ता, जिला रायगढ़ छत्तीसगढ़ से, इंडिया अनहर्ड के लिए।